भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का घमासान शुरू हो चुका है। 17 मार्च को हुए मुकाबले में टीम इंडिया ने इस सीरीज के पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से शिकस्त दी है। अब दूसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के लिए करो या मरो की स्थिति वाला होने वाला है। यह मैच गंवाने पर ऑस्ट्रेलिया की टीम टेस्ट सीरीज की तरह ही वनडे सीरीज भी गंवा देगी। टीम इंडिया के लिए अच्छी बात यह होगी कि इस मुकाबले के लिए रोहित शर्मा भी मौजूद रहेंगे। पहले मैच में वह अपने साले की शादी के चलते गैर मौजूद रहे थे, ऐसे में हार्दिक पांड्या ने टीम की कप्तानी की थी। अब रोहित शर्मा ही फिर से टीम इंडिया की कमान संभालते हुए आपको नजर आएंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 19 मार्च को दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। यह मुकाबला विशाखापट्टनम के डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वैसे अगर यहां पर भारत का पुराना रिकॉर्ड देखा जाए तो भारतीय टीम ने विशाखापट्टनम में अब तक 9 वनडे मैच खेले हैं, जिनमें से भारतीय टीम ने 7 मुकाबलों में जीत हासिल की है। यहां भारतीय टीम ने 1 मुकाबला अपना गंवाया था और 1 मुकाबला उनका टाई रहा था। तो यह दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।